रूस यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे विध्वंस के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। यूक्रेन अभी तक रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों में यूक्रेन को सफलता भी मिली है, लेकिन इस सब के बीच अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने ही घर में घिर गए हैं। दरअसल यूक्रेन के पूर्व दो राष्ट्रपतियों के सलाहकार रहे अर्थशास्त्री ओले सोस्किन ने ज़ेलेंस्की पर बड़ा निशाना साधा है। सोस्किन का कहना है कि ज़ेलेंस्की के अपरिपक्व नेतृत्व की वजह से यूक्रेन में राष्ट्रीय आपदा आई हुई है। सोस्किन का कहना है कि यूक्रेनी सांसदों को ज़ेलेंस्की को जवाबदेह बनाए रखना चाहिए। सोस्किन ने ज़ेलेंस्की पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि रूस के साथ युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है। यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध के मोर्चे पर कहीं भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। जनता को एक रिटायर्ड कर्नल पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो यूक्रेन की सैन्य सफलताओं के बारे में बात करता है। सोस्किन का कहना है कि ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि यूक्रेन रूस को हरा देगा और वास्तविक हालातों को स्वीकार करने में अनिच्छा इस बात की तरफ इशारा करती है कि राष्ट्रपति एक प्रबंधक और एक व्यक्ति के रूप में अयोग्य हैं। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लिए खतरा है, वे लोगों के लिए खतरनाक हैं। आपको बता दें कि ओले सोस्किन यूक्रेन के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वो 1992 और 2000 के बीच तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति लियोनिद कुचमा के सहयोगी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि वो और उनकी टीम पश्चिमी देशों के साथ मिलकर यूक्रेन के लिए मजबूत चीजें तैयार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र की ओर यूक्रेन ने एक और कदम उठाया है। वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की सेना ने कई बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन ने डोनबास की क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल को तोड़ने के लिए इस सबसे ताकतवर सैन्य टुकड़ी को तैनात किया है। हालांकि रूस का दावा है कि यूक्रेन अपने 43,000 से ज्यादा सैनिकों को गंवा चुका है और उसके 5,000 से ज्यादा भारी उपकरण भी तबाह हो चुके हैं और उसे युद्ध में अभी तक कोई खास सफलता भी नहीं मिली है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी प्रमुख डिफेंस लाइन से कुछ ही दूरी पर बने कई गांवों को अपने कब्जे में लिया है।